आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल ओडिया एंड्री पिठा। तो पहले ये चावल और उड़द दाल को ग्राइंडिंग कर दिए। तो 2 कप चावल में 1 कप उड़द दाल मिलाए और इसको ग्राइंडिंग कर दिए। फिर इसके बाद 1 नाइट उसको रखे, फिर बनाएंगे एंड्री पिठा। तो इसका प्रोसेस कैसा है देखिए। इसमें नारियल और शुगर का मिला हुआ शुगर इसमें डालेंगे। तो ये पहला हल्दी का पत्ता ऐसे पीस पीस करके कट कर दिया हम। हल्दी का पत्ता में अच्छा होगा, इसमें एंटीबायोटिक है तो सेहत के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ वो चावल का पेस्ट डालेंगे। ऐसे बीच में डालेंगे चावल का पेस्ट, बीज में डालने के बाद फिर इसके अंदर वो मिला हुआ नारियल मिलाएंगे, भरेंगे। ऐसे भर देंगे और इसको ऐसे दबा देंगे तो चिपक जाएगा। और फिर स्टीम में ये रखेंगे। देखिए फिर इसके बाद ढक्कन को ऐसे लगा देंगे और 10 मिनट ऐसे स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद फिर निकालेंगे। अभी कैसे बना हमारा एंड्री पिठा हम दिए थे जब, निकालो उसको देखेंगे। तो कैसे स्टीम हो गया देखिए। देखिए एक निकालो इसको, इसे ठंडा होने के बाद। अच्छा ठंडा होने के बाद निकालेंगे। ठीक है ठीक है। अभी ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद ऐसे निकल जाएगा। इसको ठंडा करेंगे फिर इसके बाद निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। और कैसा अच्छा होगा देखिए, बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ कोई भी तेल मसाला कुछ नहीं। और ये हल्दी का पत्ता से होता है तो हल्दी का पत्ता भी सेहत के लिए अच्छा होता है।